हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई जारी है तो हमारे साथ आप स्टडी करते रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज लगें या फिर क्लासेस लगें तभी हम स्टडी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ करते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके, तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा है अभी, वो चल रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो अपन पढ़ रहे थे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हमने फोर कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर चुके हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट के बारे में, कि व्हाट इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होता है हमारा, ठीक है, और कितने टाइप की होती हैं ड्रिफ्ट। ओके, तो ड्रिफ्ट क्या होता है, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है। जिसने भी नहीं देखा है वो हमारा लास्ट लेक्चर जाके देख लें, प्लेलिस्ट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, हमारी मतलब वीडियोस मिल जाएंगे कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमने आपको बोला था कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, अगर डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, मतलब कंडीशन अगर चेंज हो रही है, अभी कुछ और टेम्परेचर है फिर कुछ और टेम्परेचर हो जाता है, मतलब गर्मी में मेजर कर रहा है फिर ठंडी में, सुबह के टाइम मेजा करेगा तो थोड़ा मौसम ठंडा होता है, दिन में करेगा तो कुछ और होगा, शाम को करेगा तो कुछ और होगा। तो अगर अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हमारा क्या है पर्सन अलग अलग टाइम पे एक वेरिएबल को मेजर कर रहा है, तो वो जो हमारी सेम वैल्यू है उसके कितना क्लोज आता है वो क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहलाता है। तो हमने आपसे बोला था कि अगर जो हमारी एरर रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी में नहीं है तो वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा। मतलब एरर है अगर हमारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी में तो वो ड्रिफ्ट कहलाता है। द एरर इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज ड्रिफ्ट, मतलब अगर अलग अलग पर्सन अलग अलग टाइम पे मेजर कर रहा है अलग अलग वैल्यू आ रही है तो वो क्या है, एरर है हमारी, तो वो क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट कहलाती है। तो ड्रिफ्ट अपन क्या बोलेंगे, द एरर इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज ड्रिफ्ट। जो एरर होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी में, द एरर इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज ड्रिफ्ट। जो एरर होती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी में, रिप्रोड्यूसिबिलिटी अगर अपन मेजर कर रहे हैं उसमें जो एरर आता है वो क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। नो ड्रिफ्ट मीन्स दैट विथ अ गिविंग इनपुट द मेजर वैल्यू डू नॉट वेरी विथ टाइम। अगर ड्रिफ्ट जीरो है, मतलब नो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, नो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट नो ड्रिफ्ट, इसका मतलब है इट मीन्स दैट विथ अ गिविंग इनपुट विथ अ गिविंग इनपुट द विथ अ गिविंग इनपुट द मेजर्ड वैल्यू डू नॉट वेरी विथ टाइम। मेजर्ड वैल्यू डू नॉट वेरी विथ टाइम। ओके, तो ड्रिफ्ट क्या है हमारा, जो एरर होगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी में वो ड्रिफ्ट कहलाएगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइम में किसी वेरिएबल को मेजर कर रहा है तो उसमें जो भी अंतर आता है वो क्या कहलाता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहलाता है। तो अगर उसमें एरर है, मतलब हमने जो इनपुट दिया, मान लीजिए हमने 2 एम्पियर करंट दिया है और अलग अलग पर्सन आउटपुट मेजर कर रहा है, तो एक बार उसने मेजर किया तो 1.9 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। इनपुट सपोज अपन ने माना क्या है, 2 एम्पियर दिया, ठीक है, आउटपुट एक बार 1.9 आ रहा है, एक बार 1.8 आ रहा है, एक बार 1.7, मतलब अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें एरर है हमारा, ठीक है। अगर हर बार मेजर करने पर सेम वैल्यू आ रही है तो क्या है, एरर हमारा नहीं है हमारा, ठीक है। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो जो एरर होगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी में वो क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। नो ड्रिफ्ट अगर अपन बोलेंगे, ड्रिफ्ट नहीं है, नो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रही है। मतलब अगर अपन ने इनपुट 2 दिया है, आउटपुट हमारा क्या है 1.8 आ रहा है, तो हर बार अपन मेजर कर रहे हैं टाइम के साथ 1.8 ही आ रहा है, तो मतलब क्या है,
रिप्रोड्यूसिबिलिटी सेम, मतलब इनके बीच में क्या है, एरर है क्या कुछ? एरर क्या होती है हमेशा, अपन ने बताया ना एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हमारी, ठीक है। तो ये तो इनपुट है, ट्रू वैल्यू मान लीजिए 1.80 है, तो अगर इनके बीच में अंतर नहीं आ रहा है, मतलब एरर क्या है, जीरो। अगर एरर जीरो है तो वो ड्रिफ्ट क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि अगर एरर है तो वही क्या है, ड्रिफ्ट है। तो नो ड्रिफ्ट मतलब कि टाइम वेरी होने पर जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है वो वेरी हमारी नहीं कर रही है, नो ड्रिफ्ट। इट मीन्स विद अ गिविंग इनपुट, जो अपन ने इनपुट दिया हुआ है, द मेजर्ड वैल्यू डू नॉट वेरी विद टाइम। एक इनपुट देने पर टाइम वेरी होने के साथ साथ अगर हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, ड्रिफ्ट सिस्टम में नहीं है। ओके, अब जो ड्रिफ्ट होती है हमारी वो क्या है, थ्री टाइप की होती है। ड्रिफ्ट कैन बी थ्री टाइप। पहला होता है जीरो ड्रिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट ड्रिफ्ट हमारी तीन टाइप की है, पहला हो गया जीरो ड्रिफ्ट, इसको अपन ग्राफ के द्वारा डिस्कस करेंगे। जीरो ड्रिफ्ट क्या होगा हमारा, अगर होल करैक्टरिस्टिक ग्रेजुअली शिफ्ट ड्यू टू स्लिपेज या परमानेंट, देन जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट क्या किसको बोलेंगे, अगर इफ होल करैक्टरिस्टिक is, if whole characteristic is gradually or sudden shift, if whole characteristic is gradually or sudden shift due to slippage, due to slippage, then zero drift occur. मतलब सिंपल अपन ग्राफ के थ्रू अगर अपन समझे तो जीरो ड्रिफ्ट क्या कहलाएगी हमारी। मान लीजिए ये इनपुट है, इनपुट अपन दे रहे हैं और यहाँ पे अपन आउटपुट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू ऐसी आनी थी, अब हमारा ग्राफ क्या है, ग्रेजुअली शिफ्ट हो गया है, मतलब इतना शिफ्ट हो गया, टोटल जैसा आना चाहिए वैसे ही आ रहा है। जब जीरो ड्रिफ्ट था तो ग्राफ हमारा ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए नो ड्रिफ्ट था, सॉरी, तो ग्राफ हमारा ये आना चाहिए हमारा, ओके। नॉमिनल ड्रिफ्ट जो है वो ग्राफ ऐसा आना चाहिए। तो अगर हमारा जोनल ड्रिफ्ट जीरो ड्रिफ्ट है, इसका मतलब क्या है, कुछ वैल्यू से शिफ्ट हो गया, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ अगर एक फिक्स वैल्यू से शिफ्ट हो गया है तो वो क्या कहलाएगा हमारा, जीरो ड्रिफ्ट कहलाएगा। तो ये क्या है, नॉमिनल ग्राफ है, ठीक है। नॉमिनल ड्रिफ्ट मतलब नॉर्मल है, तो हमारा ये होगा। अगर हमारा जीरो ड्रिफ्ट है तो ग्राफ क्या है हमारा, ये हो गया, मतलब कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू से, अपन क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, एरर होना हमारा। तो ये क्या है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू से क्या हो गया हमारा, ग्राफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अपन ने क्या बोला, अगर होल कैरेक्टरिस्टिक मतलब पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक हमारी ये वाली होनी चाहिए थी, नीचे वाली लाइन नॉमिनल ड्रिफ्ट, बट पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक ग्रेजुअली या फिर सडन शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू स्लिपेज के कारण। मतलब पूरी कैरेक्टरिस्टिक देखो ये ऐसी है, सेम की सेम ऐसे शिफ्ट हो गई कि नहीं हो गई ऊपर, ठीक है। पूरी कैरेक्टरिस्टिक इतनी शिफ्ट हो गई है, कितनी, इतना वैल्यू, सेम वैल्यू है पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक में। तो अगर एक फिक्स्ड वैल्यू से क्या हो जाए हमारी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट हो जाए, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा हमारा, जीरो ड्रिफ्ट कहलाती है, ओके। अगर पूरी की पूरी हमारी कैरेक्टरिस्टिक एक फिक्स्ड वैल्यू से शिफ्ट हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो ड्रिफ्ट, इतना वैल्यू क्या है, शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारी स्पैन ड्रिफ्ट। ये जो डिफरेंस है आपको ग्राफ बना के पूछ लिया जाएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं तीन ड्रिफ्ट होती है, जीरो ड्रिफ्ट, स्पैन ड्रिफ्ट, जोनल ड्रिफ्ट। तो जो हम आपको ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं, तो आपको सिंपल ऐसा ग्राफ बना दिया जाएगा कि ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे ऐसे बना है, या फिर ये हमारी ग्राफ ऐसे बना है, ठीक है। इस टाइप से ग्राफ दे दिया जाएगा, ऊपर दिया जाएगा कि जीरो ड्रिफ्ट का ग्राफ कौन सा है। तो जब आपने पढ़ा होगा तभी आप समझ सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं
ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से छोटे छोटे से पॉइंट्स निकाल लिए जाते हैं, या तो आपके ड्रिफ्ट की डेफिनेशन ही पूछ ली जाएगी, मतलब डेफिनेशन दे दी जाएगी कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो ड्रिफ्ट क्या होता है, एरर जो होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी में वो ड्रिफ्ट होता है। अगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी में कोई एरर नहीं है इसका मतलब जीरो ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट जो है वो तीन टाइप की होती है। तो पहला जीरो ड्रिफ्ट, उसका ग्राफ अपन ने देखा कि अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी, एक फिक्स्ड वैल्यू से पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स शिफ्ट हो गई है, तो वो क्या हो गई है, जीरो ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है हमारा क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने जो कॉपी बनाई है उसमें ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं स्पैन ड्रिफ्ट। स्पैन ड्रिफ्ट, ओके, स्पैन ड्रिफ्ट क्या है, इफ देयर इज अ प्रोपोर्शनल चेंज इन द इंडिकेशन ऑल अलोंग द अपवर्ड स्केल, इफ देयर इज अ प्रोपोर्शनल चेंज इन द इफ देयर इज अ प्रोपोर्शनल चेंज इन द इंडिकेशन ऑल अलोंग प्रोपोर्शनल चेंज इन द इंडिकेशन ऑल अलोंग द अपवर्ड स्केल ऑल अलोंग द अपवर्ड स्केल देन स्पैन ड्रिफ्ट अकर देन स्पैन ड्रिफ्ट अकर। ठीक है, अगर पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है तो क्या होगा, हमारा स्पैन ड्रिफ्ट होगा। ग्राफ के थ्रू अपन समझते हैं, ये हमारा, ये कोई भी इनपुट दिया अपन ने, यहाँ पे आउटपुट निकालना है, तो जो नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसी होनी चाहिए। नॉमिनल ड्रिफ्ट अगर है तो ग्राफ इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, बट ये ग्राफ क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनली शिफ्ट हो रहा है, ये ऐसा हो गया है, तो ये क्या होगा, स्पैन ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, जैसे जैसे इनपुट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आउट, मतलब प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है ना, ये यहाँ पे ये ज्यादा है तो ये भी क्या है, ग्राफ ज्यादा हो गया हमारा। ठीक है, जीरो ड्रिफ्ट में क्या था, एक फिक्स स्पैन से पूरा चेंज हो गया था, ये क्या है, प्रोपोर्शनली क्या हो रहा है हमारा, चेंज हो रहा है हमारा, जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू वैरी कर रही है वैसे वैसे आउटपुट की वैल्यू वैरी कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पैन ड्रिफ्ट। ठीक है, इफ देयर इज अ प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, प्रोपोर्शनल चेंज इन द इंडिकेशन ऑल अलोंग द अपवर्ड स्केल, जो ये अपवर्ड स्केल है इसमें इंडिकेशन जो है वो ऑल अलोंग द अपवर्ड स्केल प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे इनपुट वैरी हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आउटपुट भी हमारा वैरी कर रहा है प्रोपोर्शनली। अगर 2 एम्पियर करंट यहाँ चेंज हुआ तो जो वोल्टेज है उसमें भी अगर 2 वोल्ट में चेंज आ रहा है तो वो क्या है, प्रोपोर्शनली चेंज। तो जहां पे प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्पैन ड्रिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जोनल ड्रिफ्ट। जोनल ड्रिफ्ट, जोनल ड्रिफ्ट क्या होगा हमारा, एक किसी जोन में, मतलब पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज नहीं होगा केवल, तो लास्ट हमारा क्या है, जोनल ड्रिफ्ट। ओके, अपन ने डिस्कस कर लिया हमारा क्या, जीरो ड्रिफ्ट, स्पैन ड्रिफ्ट एंड लास्ट इज जोनल ड्रिफ्ट। जोनल ड्रिफ्ट क्या है, इन केस द ड्रिफ्ट अकर ओनली अ पोर्शन ऑफ स्पैन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसमें क्या हो, पोर्शन ऑफ स्पैन, मतलब किसी स्पैन, मतलब क्या होता है, एक हमारा कोई भी क्या, अगर कोई भी हमारी पूरी ये है तो एक स्पैन, स्पैन मतलब कि एक पार्ट में, स्पैन को किसे बोल सकते हैं, पार्ट, तो अगर हमारी किसी भी एक पार्ट में क्या होता है हमारा, कुछ चेंजेस होता है तो वो क्या कहलाता है हमारा, जोनल ड्रिफ्ट कहलाता है। ये अगर अपन ले लेते हैं, ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, तो नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये होगी। ओके, नॉमिनल जो है ड्रिफ्ट वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
ये होगी, ठीक है। और अगर जोनल ड्रिफ्ट है तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे होगी, यहाँ से यहाँ तक सेम वही है, बट इस जोन में मान लीजिए चेंज हो गया है, तो ये जो जोन है मतलब केवल एक पर्टिकुलर स्पैन में, एक पर्टिकुलर पार्ट में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी जोनल ड्रिफ्ट। ओके, तो अपन ने डिस्कस किया आज तीनों ड्रिफ्ट के बारे में कि ड्रिफ्ट हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा ड्रिफ्ट क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट, एरर इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज ड्रिफ्ट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में जो भी एरर आता है वो हमारा ड्रिफ्ट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है हमारा, अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वैल्यू को एक पर्टिकुलर इनपुट पे आउटपुट मेजर करते हैं, अगर वैल्यू में चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है। मतलब कितना एक्यूरेस क्लोजनेस है उन रीडिंग के बीच में, वो क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है। अगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी में कोई एरर है तो वो क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। नो ड्रिफ्ट क्या होगी, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी में कोई एरर नहीं है तो ड्रिफ्ट जीरो होगा। ड्रिफ्ट थ्री टाइप्स के होते हैं, सबसे पहला जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट क्या होता है, वाई ड्रिफ्ट जिसमें जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स है वो पूरी की पूरी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक पर्टिकुलर स्पैन से क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए हमारा, ठीक है, स्लिपेज वगैरह के कारण ऐसा हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, जीरो ड्रिफ्ट। ओके, सेकेंड वन इज स्पैन ड्रिफ्ट। स्पैन ड्रिफ्ट क्या होता है, जिसमें जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, हमारी प्रोपोर्शनली चेंज होती है, जैसे जैसे इनपुट वैरी हो रहा है वैसे वैसे उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो भी वैरी कर रही है हमारी, ठीक है, तो प्रोपोर्शनली अगर चेंज हो रहा है तो वो स्पैन ड्रिफ्ट कहलाएगी। और थर्ड वन एंड लास्ट वन इज जोनल ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर जोन में करेक्टरिस्टिक्स वैरी करती है, बाकी यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, सेम है एज अ नॉमिनल ड्रिफ्ट के करेक्टरिस्टिक्स की तरह, बट इसे एक पर्टिकुलर जोन में क्या हो गया है, करेक्टरिस्टिक चेंज हो गई है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी जोनल ड्रिफ्ट। ओके, तो आज की क्लास का डिस्कशन इतना ही। आज हमने डिस्कस किया द होल ड्रिफ्ट के बारे में कि ड्रिफ्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का। थैंक यू।